हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, न्यू प्रैक्टिस का ये 37वां वीडियो है। जैसा कि मैं एमपी वर्क 2-3, यूपीटी, जीटीपीजीटी, यूपीएलटी ग्रेड, बीपीएस टीयरी 4 एंड अन्य सभी फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए डेली बेसिस में प्रैक्टिस करा रही हूँ। एंड दोस्तों, आप डेली बेसिस से मेरे साथ जुड़े रहिए। जब भी एग्जाम आएगा, आपका एक सीट उसमें जरूर होना चाहिए। सब काम करते हुए भी 2-3 घंटा आप जरूर डेली बेसिस पे निकालिए। भले आपके सामने कोई वैकेंसी अभी नहीं दिख रही है, पर जैसे ही आएगा उसमें आपका सीट पक्का होना चाहिए, यदि डेली बेसिस पर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था? दोस्तों, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वह सबसे प्रसिद्ध था धनुर्विद्या के लिए, यानी तीरंदाजी। धनुर्विद्या तक्षशिला में एक विशेष विषय के रूप में प्रसिद्ध था। उसके अलावा तक्षशिला में सम्राटों तथा उच्च अधिकारियों में आखेट भी काफ़ी प्रचलित था। एंड गुरुकुल में 25 वर्ष की आयु में शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक रण कौशल में पारंगत हो जाते थे। तक्षशिला, पाटलिपुत्र, कन्नौज, मिथिला जैसे महान संस्थाएँ जो है महाकाव्य काल में प्रसिद्ध थे, जो ज्ञान का केंद्र माना जाता था। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रतिभा का पता लगाने का कौन सा प्रमुख पैमाना गिम्बल द्वारा नहीं सुझाया गया था? तो गिम्बल यंग ने प्रतिभा का पता लगाने के लिए प्रेरणा, फिजियोलॉजिकल तथा मॉर्फोलॉजिकल कारक, ट्रेन एबिलिटी को खोजा था। इन्होंने 1976 में इसको सुझाया था, जबकि सामाजिक चर यहाँ पे नहीं सुझाया था। उसके अलावा इन तीनों को सुझाया था, याद रखिएगा। और यह पैमाना इस कारक पर, इस तथ्य पर जोर देता है कि प्रतिभा में पर्यावरण और अनुवांशिक घटक दोनों समाहित होते हैं तथा ये कारक बच्चे के विकास में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। गिम्बल द्वारा सुझाए गए पैमाने में सामाजिक चर यहाँ पर सम्मिलित नहीं था, और उसके अलावा प्रेरणा और ये तीनों ऑप्शन सम्मिलित थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रम्पोलिन किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, ट्रम्पोलिन जैसे कि FIG इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन, विश्व जिम्नास्टिक संघ के अंतर्गत आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, एक्रोबेटिक जिम्नास्टिक, एरोबिक्स जिम्नास्टिक एंड रिदमिक जिम्नास्टिक एंड ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक आता है। यहाँ पे ट्रम्पोलिन शब्द जो है, ट्रम्पोलिन क्या है, जिम्नास्टिक से संबंधित है, जिम्नास्टिक का एक प्रकार है। एंड दोस्तों, ओलंपिक में जिम्नास्टिक खेल के अंतर्गत 3 प्रकार के जिम्नास्टिक प्रतियोगिता आती है, जिसमें से आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, रिदमिक जिम्नास्टिक एंड ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फेंकने से जुड़े खेल स्पर्धाओं में संलग्न मुख्य पेशी का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द मेन मसल्स इन्वॉल्व्ड इन स्पोर्ट्स रिलेटेड टू थ्रोइंग मसल्स? दोस्तों, थ्रोइंग मसल्स हम किसे कहते हैं, फेंकने से जुड़े? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बृहद अंश पेशी, यानी कि जो हमारे वक्ष पर पेशी होता है, जिसे हम इंग्लिश में पेक्टोरलिस मेजर मसल्स कहते हैं। ठीक है, तो पेक्टोरलिस मेजर मसल्स को थ्रोइंग मसल्स बोला जाता है। फेंकने से संबंधित जितनी क्रियाएं होती हैं पेक्टोरलिस मेजर वक्ष की फेसी से किया जाता है। उसके अलावा बॉक्सर मसल्स सेरस एंटेरियर को बोला जाता है, रोइंग मसल्स लैटिमस डोर्सी को, स्विमर मसल्स डेल्टॉइड एंड लैटिमस डोर्सी को, थ्रोइंग मसल्स पेक्टोरलिस मेजर को, टेलर मसल्स सार्टोरियस को, मलखम या राइडर मसल्स एडक्टर मंगस को, लिफ्टर मसल्स डेल्टॉइड मसल्स को, कॉफ मसल्स गैस्ट्रोनिमियस को एंड राइट क्लिम्बर मसल्स लैटिमस डोर्सी को। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैंप फायर समिति होती है? तो दोस्तों, कैंप फायर जो समिति होती है वो शिविर में होती है। कैंप फायर शिविर का संबंध है इससे। कैंप फायर का कार्यक्रम शिविर के अंतिम दिन आयोजित किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। जो कैंप फायर का आयोजन होता है शिविर में, वो शिविर के अंतिम दिन आयोजित किया जाता है, जिसकी अवधि 45 मिनट से 1 घंटा होती है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, क्वेश्चन वही पूछा जाता है बट अलग अलग प्रकार से। जैसे अभी कैंप फायर समिति किससे संबंधित है, शिविर से संबंधित है। अगली बार पूछ सकता है कि कैंप फायर समिति
शिविर में कब आयोजित की जाती है, शुरुआत में कि अंतिम में, तो अंतिम दिन में। ये भी पूछ सकता है कि कैंप फायर का समय कितना होता है, तो 45 मिनट से 1 घंटा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेफ्रॉन किसकी सूक्ष्मदर्शी संरचना है। नेफ्रॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो दोस्तों संरचनात्मक और क्रियात्मक स्ट्रक्चर और एंड फंक्शनल यूनिटी होती है आपकी ब्रिक की, यानी कि किडनी की, ठीक है। यहीं पे जा करके रक्त जो है प्यूरिफिकेशन होता है, फिल्टर होता है, छाना जाता है, और यह नेफ्रॉन जो है किडनी की इकाई होती है, यहीं पे मूत्र निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिम्नास्टिक खेल में फॉल्स पर करतब दिखाने वाली जगह का माप क्या होता है। तो इन जिम्नास्टिक द फ्लोर एरिया यूज्ड फॉर फॉर्मिंग स्टेटस इन मेजर्ड अस फॉर फ्लोर एक्सरसाइज। जो जमीन पर ये दिखाते हैं तो उसका ये वर्गाकार होता है 12x12 मीटर, ठीक है, 12x12 मीटर। जो एटेंस जिम्नास्टिक है इसमें महिलाओं के लिए 6 और सॉरी दोस्तों पुरुषों के लिए 6 और महिलाओं के लिए 4 प्रतियोगिताएँ होती हैं, जिसमें पुरुषों के लिए 6 रोमन रिंग, पैरल बॉर, वॉल्टिंग हॉर्स, हॉरिजॉन्टल बॉर, फ्लोर एंड पॉमिल हॉर्स। महिलाओं के लिए 4 है, फ्लोर, वॉल्टिंग हॉर्स, सिमेट्रिकल बॉर या अनइवन बॉर, बैलेंसिंग बीम। जिम्नास्टिक के बारे में मैंने डिटेल में हर एक प्रकार की वीडियोज बनाया हुआ है, कम से कम 15-20 को वीडियोज जो है केवल जिम्नास्टिक से रिलेटेड हैं। आप स्पोर्ट्स मेजरमेंट्स एंड एथलेटिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना कब हुई। दोस्तों क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना 1932 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम बार एशियाई खेल समारोह 1951 का उद्घाटन किसे किया। यहाँ पे उद्घाटन पूछा हुआ है, तो इसका नामकरण किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसका उद्घाटन किए थे प्रथम एशियन गेम का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसको शुरू करने का श्रेय जाता है प्रोफेसर जेडनेश सोंदी को। एशियाड गेम का पितामह भी कहा जाता है, जैसे आधुनिक ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय बैरन पियर डी कुबर्टिन को कहा जाता है, आधुनिक ओलंपिक का पिता, उसी तरह एशियाड के पिता प्रोफेसर जेडनेश सोंदी को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ओलंपिक गीत की रचना किस देश के निवासी ने की थी। दोस्तों ओलंपिक गीत की रचना ग्रीस के निवासी इस्पाइरास समरास कोस्तीम पलामास ने किया था 1958 में, और पहले बार गाया गया 1960 रोम में ओलंपिक गीत, और यह 1958 को मान्यता दिया गया, और यह जो है ओलंपिक के उद्घाटन एवं समापन समारोह में गाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का प्रसिद्ध खेल मैदान वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों यह महाराष्ट्र में स्थित है, वानखेड़े स्टेडियम महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। हु इज द कंसाइडेड टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, SR थ्योरी, ठीक है, SR स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। इन्होंने इस थ्योरी को दिया है थॉर्नडाइक ने, याद रखिएगा। जब उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी बोलेगा तो SR थ्योरी थॉर्नडाइक, और कहीं RS सिद्धांत बोलेगा, पहले रिस्पॉन्स तब स्टिमुलस, वो स्किनर का होगा, क्योंकि स्किनर ने मोटिवेशन को ज़्यादा जोर दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लेप्रोसी होती है, तो कुष्ठ रोग लेप्रोसी, जिसे हम हैंसेस डिजीज भी बोलते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, ठीक है, किसके द्वारा फैलता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया के द्वारा। इसमें कुष्ठ रोग लंबे समय तक रोगी के साथ रहने से संक्रमित हो जाता है। इसके कुछ लक्षण हैं जैसे कि अल्सर हो जाता है, गांठों में दर्द होता है, घाव हो जाता है, उंगलियों में विकृति हो जाती है आदि। क्वेश्चन नंबर 14 है कि चिकित्सा संबंधी गतिविधियों को इस रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों थेरेटिक मूवमेंट्स आर आल्सो नोन एज, तो चिकित्सा संबंधी गतिविधियों को इस रूप में भी जाना जाता है, तो उसे मेडिकल जिम्नास्टिक के रूप में भी जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, प्लाज्मा में कितने परसेंट पानी होता है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा? तो प्लाज्मा में 90% जल होता है। प्लाज्मा में कितने परसेंट जल होता है? 90%। जैसे कि रक्त को दो भागों में बांटा गया है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा जो द्रवीय भाग होता है, पानी वाला भाग, वो होता है जिसमें जो रक्त का 55% भाग होता है। और ब्लड सेल्स जो है RBC, WBC या प्लेटलेट्स, रक्त का 45% भाग होता है। प्लाज्मा जो है हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। प्रोटीन की उपस्थिति के कारण रक्त अर्धतरल चिपचिपा सा बना रहता है। एंड प्लाज्मा में 90% पानी, 8% प्रोटीन, 0.9% नमक सॉल्ट और 0.1% अन्य ऑर्गेनिक मटेरियल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जो 8% प्रोटीन होता है प्लाज्मा में, उसके अंतर्गत एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथोम्बिन, फाइब्रोनोजन आता है। एंड उसके अलावा जो नमक साल्ट है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन आता है। कार्बनिक पदार्थ में ग्लूकोज, फैट, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, कोलेस्ट्रॉल, अमीनो एसिड आदि आते हैं। प्लाज्मा और भी पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एंजाइम, एंटीजन। ये सभी पदार्थ रक्त के द्वारा हमारे कोशिकाओं तक पहुँचाए जाते हैं, याद रखिएगा। एंड प्लाज्मा का कार्य क्या है? ये पोषक तत्व जैसे कि नमक, ग्लूकोज, अमीनो एसिड को ऊतकों तक पहुंचाते हैं, कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं, और वहां से बेकार पदार्थ को जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, लैक्टिक एसिड, CO2 को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस विटामिन की कमी से मनुष्य में हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है? तो डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेमरेज इन ह्यूमन? तो दोस्तों वो विटामिन होता है विटामिन के, ठीक है, विटामिन के, इसका वैज्ञानिक नाम फिलोक्विनोन है। और इसकी कमी से मनुष्य में हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है। ये रक्त स्त्रावरोधी है, रक्त को थक्का जमाने में काम करता है, जो यकृत में प्रोथोम्बिन के निर्माण में सहायक होता है। यकृत में जो प्रोथोम्बिन होता है, फाइब्रोनोजन होता है, उसके निर्माण में सहायक होता है। प्रोथोम्बिन भी रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। तो हेमरेज क्या होता है दोस्तों? यदि रक्त शरीर के अंदर ही जम जाए, अर्थात शरीर के नस में ही जम जाए, या तो नस फटने लगता है, अर्थात पीछे से प्रेशर मारेगा, ठीक है। अगर पाइप है आपका, पाइप की तरह तो हमारी रक्तवाहिनियाँ होती है, तो बीच में अगर कोई चीज़ जम जाए या रास्ता रुक जाए, तो पीछे से जो पानी आएगा इधर प्रेशर से, तो बहुत तेज़ी से वो धक्का मारेगा, जिससे क्या होगा, पाइप फट जाएगा, उसी तरह नस भी फट जाएगा, ठीक है। और इसी नस को फट जाने को हम हेमरेज कहते हैं। हेमरेज के लिए विटामिन के जिम्मेदार है। ये अक्सर ब्रेन में ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्रेन की नसें बहुत पतली होती हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ओलंपिक झंडे के छल्ले क्या दर्शाते हैं? दोस्तों ओलंपिक झंडे के छल्ले, जैसे कि ओलंपिक झंडा, तिरंगा झंडा को 1913 में बैरन पियरडी कोबर्टिन ने बनाया था, और इसको फहराया गया सर्वप्रथम, इसको मान्यता मिला 1914 को, और फहराया गया 1920 एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक को। और इसमें इस सफ़ेद रेशम सिल्क का बना होता है, और इस पर 5 छल्ले आपस में इस प्रकार जुड़े रहते हैं कि अंग्रेजी के W अक्षर का आकार बनाते हैं, और ये सब मैत्री भाव को दर्शाते हैं। 5 छल्ले जो है नीला, पीला, काला, हरा और लाल होते हैं, और जिसमें से नीला यूरोप महाद्वीप का प्रतीक, पीला एशिया महाद्वीप का प्रतीक, काला अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक, लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक है। यानी कि ये सभी किसके प्रतीक दर्शाते हैं? तो 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं, यानी कि कॉन्टिनेंट्स को, जो हमारी दुनिया की एकता को प्रदर्शित करते हैं। इन 5 छल्लों को ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह के रूप में स्थायी रूप से मान्यता कब मिली दोस्तों? 1924 पेरिस फ्रांस में। इसको भी याद रखिएगा कि इन 5 छल्लों को कब मिली ओलंपिक में मान्यता? 1924 पेरिस फ्रांस में। और ओलंपिक मोटो जो है सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस, इसको भी मान्यता मिली थी 1924 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ईडन गार्डन स्टेडियम स्थित है? दोस्तों ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? यह कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी व्यक्ति के शरीर की संरचना निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं? बॉडी कंपोजिशन ऑफ ए पर्सन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स? द बॉडी कंपोजिशन के अंतर्गत जो हमारा बॉडी कंपोजिशन क्या होता है, हड्डियों और पेशियों की
दशा को दर्शाता है, बॉडी कंपोजिशन। तो इसमें लीन बॉडी मास एंड फैट बॉडी मास आता है। लीन बॉडी मास यानी कि बॉडी कंपोजिशन जो है, शरीर में उपलब्ध वसा मांसपेशी तथा हड्डियों की मात्रा होता है। तो इसको में दो चीज़ें होती हैं, लीन बॉडी मास और फैट बॉडी मास, यानी दुबला पतला शरीर आकार और मोटा शरीर आकार। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हो जाएंगी दोस्तों। यहाँ पे जो कूट वाला ऑप्शन था, ए होगा कि बी होगा, इसको मैंने नहीं इंक्लूड कर पाया है। तो यहाँ पे ए और सी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा? ए और सी, ठीक है। लीन बॉडी मास एंड फैट बॉडी मास, ठीक है, लीन बॉडी मास एंड फैट बॉडी मास इसमें शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से विटामिन ए का प्रचुर मात्रा है। तो दोस्तों विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं और यह वृद्धिकारक विटामिन भी है। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी और अंधता हो जाता है। और ए जो है, जो ऑप्शन दिया है, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका खुबानी में पाया जाता है, ठीक है। और अन्य में जैसे कि घी, मक्खन, दूध, दही, अंडे की जर्दी, मछली, टमाटर, पपीता, हरी सब्जियां, पालक, गाजर, सीताफल आदि में पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन ए गाजर में, याद रखिएगा। निबी वंश के फल विटामिन सी के प्रमुख स्रोत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, टेबल टेनिस के खेल की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो टेबल टेनिस के ग्राउंड की जो लंबाई होती है दोस्तों 7.74 मीटर होती है और चौड़ाई, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौड़ाई होगी 7.74 मीटर एंड लंबाई और चौड़ाई होगी 1.525 मीटर, 1.525 मीटर, ठीक है। एंड टेबल जो है, इसमें टेबल की साइड लाइन की जो मोटाई होती है 2 सेंटीमीटर और सेंटर लाइन की मोटाई जो है 3 सेंटीमीटर मोटी होती है। और टेबल की जो सरफेस होती है, ज़मीन से ऊंचाई उसकी 76 सेंटीमीटर होती है। टेबल में 8 टांगें होती हैं और नेट की लंबाई जो है 6 फीट होती है और नेट की चौड़ाई 6 इंच होती है। दोनों तरफ की साइड लाइन से 6-6 इंच बाहर निकला रहता है। और जो बॉल होता है टेबल टेनिस का, 2.7 ग्राम का होता है, उसका व्यास 40 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, महिलाओं के लिए हैमर थ्रो का वजन कितना होता है। तो दोस्तों हैमर थ्रो में जो है पुरुषों के लिए 2.7-2.6 किलोग्राम होता है और महिलाओं के लिए 4 किलोग्राम, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दलों का नियंत्रण करने वाले निकाय क्या है। तो भारतीय दलों का नियंत्रण करती है IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी भारतीय ओलंपिक संघ, जिसकी स्थापना 1927 में सर दुराबजी टाटा के सहयोग से हुआ और प्रथम अध्यक्ष भी सर दुराबजी टाटा हुए और वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा हैं, जो IOA की प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, लेट शब्द का प्रयोग होता है। तो दोस्तों डबल फॉल्ट जो है टेबल टेनिस यानी लॉन टेनिस में और लेट शब्द जो है वह टेबल टेनिस से प्रयुक्त होता है। लेट शब्द लॉन टेनिस में भी है बट यहाँ पे टेबल टेनिस दिया है, टेबल टेनिस सबका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से कौन सा शब्द सीखने के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होता है। दोस्तों आप कोई भी चीज़ सीख जाते हैं तो आपको वो याद रहता है, याद नहीं है तो आपका सीखा हुआ नहीं माना जाएगा, तो याददाश्ता, ठीक है, ये सीखने के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, संधि और पेशियों के बीच स्थित अभिग्राहों को क्या कहते हैं। संधि और पेशियों के बीच, दोस्तों मैंने न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के बारे में, न्यूरॉन और मांसपेशियों के जो जंक्शन होता है जुड़ते हैं एक जगह, उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस कहते हैं। यहाँ संधि और पेशियों के बीच स्थित अभिग्राहक पूछा है, तो इसे हम स्वामित्व अभिग्राहक कहते हैं, प्रोप्रायोसेप्टर कहते हैं, जो लचीलापन हासिल करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि होता है, प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलेशन PNF मेथड। तो जो है ये स्वामित्व अभिग्राहक या स्वाम्य ज्ञानेन्द्रिया कहा जाता है, प्रोप्रायोसेप्टर्स, जो पेशियों, संधियों, कंडराओं, स्नायुओं आदि के स्थित संवेदी तंत्रिका तंतुओं के स्वतंत्र व नग्न छोर होते हैं,
और ऐच्छिक गतियों, तनाव, खिंचाव, संतुलन, दबाव आदि के कारण उत्पन्न अंतः उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सी एरोबिक क्रिया मुख्यतः मनोरंजन में काम आती है? विच एरोबिक एक्टिविटी इज मेनली यूज फॉर रिक्रिएशन? तो दोस्तों ये यहाँ पे कैलिस्थेनिक्स, तालबद्ध व्यायाम, जॉगिंग, साइकिलिंग, ये सभी चीज़ें एरोबिक एक्सरसाइज हैं जो ऑक्सीजन के ऊपर उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ किया जाता है, जो एंड्योरेंस वाले क्रियाएँ होती हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं एरोबिक हैं, बट यहाँ पे कहा गया है कौन सी एरोबिक क्रिया मुख्यतः मनोरंजन के काम आती है, तो यहाँ पे तालबद्ध जो व्यायाम होते हैं, रिदमिक एक्सरसाइज, वो मनोरंजन के काम आती है। इसमें एक समूह में लोग आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, किन्सियोलॉजी अध्ययन का संबंध है? तो किन्सियोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्द कानेसिस शब्द से लिया गया है, जिसका कानेसिस का अर्थ होता है गति और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी एक गति का अध्ययन करता है। इसे किन्सियोलॉजी का मूलतः व्याख्या गति के अध्ययन से की जाती है। तो गति का अध्ययन यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मानवीय क्रियाओं से, ह्यूमन एक्टिविटीज से। क्वेश्चन नंबर 29 है, फुटबॉल खेल में हेड पॉज के समय शरीर के विभिन्न भाग के मांसपेशियों द्वारा इनमें से कौन सी गतिविधि को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों जब हम हेड पॉज करते हैं तो हमारे जो सिर का फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट होता है, फैलता है और सिकुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कोष्ठबद्धता का कारण है कोष्ठबद्धता यानी कॉन्स्टिपेशन, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन? दोस्तों कॉन्स्टिपेशन पानी की कम मात्रा लेने से हो जाता है, ठीक है, पानी की कम मात्रा लेने से होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, बारावती स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बारावती स्टेडियम कटक उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, बास्केटबॉल बोर्ड की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो दोस्तों बास्केटबॉल बोर्ड की जमीन से ऊंचाई जो है ये 3.505 मीटर होता है। कितना होता है? 3.05 मीटर। दोस्तों जैसा कि हमने फर्स्ट जो रिंग की ऊंचाई होती है जो 3.05 मीटर पढ़ा हुआ है, और जबकि हमने बोर्ड जो होते हैं बास्केटबॉल बोर्ड, वो ज़मीन से ऊंचाई उसकी 2.90 मीटर पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पे दिया ही नहीं है 3.05 मीटर को माना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही राइट होगा, ठीक है। और जो बास्केटबॉल बैक बोर्ड होता है वो जो है उसकी लंबाई 1.80 मीटर होता है, चौड़ाई 1.05 मीटर, मोटाई 3 सेंटीमीटर होता है, और एक उस पर छोटा बोर्ड भी होता है जिसका लंबाई 0.59 मीटर और चौड़ाई 45 सेंटीमीटर होता है, जिसके निचले सिरे पर जो है जाली लगाया जाता है, रिंग। और रिंग जो होता है, रिंग का व्यास 45 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसकी स्थापना 23 जून 1894 में पेरिस के सर्बोन नामक स्थान पर पियर डी कुबर्टिन के अध्यक्षता में किया गया था, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। क्वेश्चन नंबर 34 है, कीचड़ स्नान प्रचलित था? दोस्तों कीचड़ स्नान जो है वो पूर्व एथेंस काल में प्रचलित था। कीचड़ स्नान कहाँ प्रचलित था? पूर्व एथेंस काल में। कीचड़ स्नान जो है साधारण मिट्टी और पानी का घोल होता था, इससे स्नान करने की प्रथा पूर्व एथेंस यानी यूनान में प्रचलित था। एक होता है कोलेजियम थर्मफा बाथ जो उत्तरार्ध रोम में प्रचलित था, दोनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, हैवी एक्सरसाइज करते समय रक्त का प्रवाह बढ़ता है, व्हेन डूइंग हैवी एक्सरसाइज ब्लड फ्लो इंक्रीज टुवर्ड्स, तो किसकी तरफ बढ़ता है? तो स्केलेटल मसल्स की ओर,
हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल्स जो है दृढ़ हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं, तो स्केलेटल मसल्स यानी कंकाल मांसपेशियों की तरफ बढ़ती हैं टूअर्ड्स द स्केलेटल मसल्स। क्वेश्चन नंबर 36 है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो दोस्तों जब हृदय का बायां निलय कंट्रैक्ट होता है तो उस समय रक्त, शुद्ध रक्त जो है हमारी धमनियों की तरफ भेजा जाता है, तो धमनियों पर जो दाब पड़ता है उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और वहीं पे जब बायां निलय शिथिलन अवस्था में होता है और बाएं अलिंद से रक्त जो है बायां निलय में आता है तो उस समय जो धमनियों पर दाब पड़ता है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर जो है 120 और डायस्टोलिक जो है आपका 80 होता है, 80-120, तो ये जो है हार्ट मसल्स के द्वारा माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, मानवीय पाचन तंत्र में अपेंडिक्स का क्या महत्व होता है। इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज द अपेंडिक्स इज यूज फॉर। तो दोस्तों पहले अपेंडिक्स होता था जो आपके छोटी आंत जहाँ पे मिलता है बड़ी आंत से, तो बड़ी आंत के जो सीकम कोलन मलाशय 5-4 भाग होते हैं, 3 भाग, तो सीकम के जो निचली छोर पर पूंछ के जैसा होता था जिसे हम अपेंडिक्स कहते थे। पहले यह सेलुलोइड के पाचन में सहयोग होता था बट यह अब समाप्त हो चुका है, बहुत ही नाम मात्र का होता है, जो अब पहले पाचन क्रिया में मदद करता था अब वर्तमान में यह पाचन क्रिया में कोई योगदान नहीं देता है। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 37 MCQ क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जिस भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय।